नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार, स्वागत है आपका रुदर ट्रेड यूट्यूब चैनल में। चैनल का उद्देश्य है आपको शेयर मार्केट से जुड़ी छोटी छोटी बातों से अवगत कराना। आज का टॉपिक है हैमर कैंडल। क्या होता है हैमर कैंडल, ये कैसे वर्क करता है और इससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, आइए देखते हैं। वीडियो चालू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल में, उन्होंने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, जो बिगनर्स हैं, तो आप शुरू से वीडियो देख लें, आपको पूरा शेयर मार्केट इजी समझ में आएगा। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, कोई अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आइए देखते हैं हैमर कैंडल क्या है और ये कैसे वर्क करता है, हमारे किस काम का होता है। हैमर कैंडल में, कैंडल तो आपको पता है, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुआ, सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ये लो हुआ, ये लो गया, ये ओपन, ये हाई। रेड कैंडल, ये लो, ये हाई, ओपन ये और क्लोज ये, क्लियर। अब इसमें अलग क्या है, हैमर कैंडल हमें दर्शाता है कि यहां से मार्केट पलट सकता है। पलटना मतलब कि मार्केट यहां से इन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, वहां पे याला हैमर बन गया, कई लोग इसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, अपने को पीएचडी नहीं करनी है, अपने को पैसा कमाना 500 से 1000 रुपए। कंफ्यूज मत होना, हैमर, हैंगिंग मैन, कोई ऊपर बन रहा है, कोई नीचे बन रहा है, कोई हरा, कोई लाल, कोई मतलब नहीं। अपने को यह देखना है कि भैया जिसकी बॉडी, बॉडी समझता है, ये होती बॉडी, मतलब जिस जो पूरी फुल होती है, क्लियर, जो पूरी फुल है ये कहलाती है बॉडी, और जो खाली डंडी दिख रही है छोटी सी, या तो नीचे बनने या तो ऊपर बनने, ये कहलाती विक, ये कहलाती विक। ये भी समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये याद रखो, बॉडी जितनी बड़ी है उससे 2 से 3 गुना उसकी दुबली पतली लकड़ी होना चाहिए, क्लियर। जितनी बड़ी बॉडी है उससे 2 से 3 गुना, कम से कम 2 से 3 गुना, 2 गुना तो कम से कम होना ही चाहिए, तभी आपको इसका रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। बॉडी जितनी बड़ी है उससे 2 से 3 गुना अगर आपको ये नीचे की विक या पतली डंडी या परछाई भी बोलते हैं, इसको शैडो भी बोलते हैं, शब्दों पे ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो, जैसा समझ में आता है वैसा समझो, कोई दिक्कत नहीं, शब्दों में कुछ नहीं रखा है। पैसा कमाना 500 से 1000 रुपए डेली, तो जो विक अगर बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी है, समझ जाओ वो हैमर है। हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये इनकी कुछ जगह होती, स्पेसिफिक जगह होती है जहां पे अगर ये बनी, तो समझ जाओ कि वो अपने लिए काम करेगी। कैसे बताता हूं, ये तो हो गया हैमर, ठीक है। अब हैमर के बाद अगला देखते हैं, अगला है इन्वर्टेड हैमर। बताया था ना, है कुछ नहीं, चोचले हैं कि बॉडी जो नीचे बन गई तो वो इन्वर्टेड हैमर हो गया, जो ऊपर बनी है तो हैमर है, ऊपर में भी हरी है तो वो अलग है, लाल है तो वो अलग है, एक हैंगिंग मैन कहला देंगे, एक हैमर कहला देंगे। अरे पढ़ाई थोड़ी करनी है हमको, हमको तो पैसा कमाना है। यहाँ पे वही कहानी है, बॉडी से 2 से कम 2 गुना और जितनी ज्यादा मिल जाए उतना अच्छा, उसकी लंबाई, छोटे जो पतला डंडू होता है ना, उसकी 2 से 3 गुना मिल जाए तो विक या शैडो जो बोलना चाहो, वो 2 से 3 गुना होना चाहिए बॉडी से। अब ये कहां बनती है, कैसे बनती है, उसको कैसे पकड़ना है, इसको देखते हैं। आइए, अपने को पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपने को तो अपना पैसा कमाना है, ठीक है। ये विक, शैडो या बॉडी, जो विक, शैडो जो बोलना बोल लो, ये बॉडी, ठीक। इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल ये देखिए,
यहां दिख रहा है आपको छोटा सा, ये छोटा सा हैमर दिख रहा है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। ये दिख रहा है छोटा सा हैमर, बॉडी से ज्यादा बड़ी विक है उसकी, मतलब परछाई है या डंडू है, बॉडी छोटी है और ये नीचे बन रहा है। सबसे बड़ी चीज ये नीचे बन रहा है, एक कोने में बन रहा है, एक तरफ बन रहा है, बीचों बीच नहीं बन रहा। जैसे यहां बीचों बीच बन जाए इसका कोई मतलब नहीं, ये बीचों बीच बन रहा है ना, इसका कोई मतलब नहीं। जब ये एक तरफ बने, हैमर ये भी है लेकिन इधर कोई मतलब नहीं है क्योंकि बीचों बीच बन रहा है। एक तरफ बने जब, या तो ऊपर या तो नीचे, अभी नीचे बना है, रेड बना है या ग्रीन बने, कोई भी बने, मतलब यहां से मार्केट अपना चाल चेंज कर लेगा। अभी यहां से आता नीचे आ रहा था, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, इन्वर्ट पलटी उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा हो गया, यहां से हो गया उल्टा, ठीक। कि जब मार्केट में ऊपर या नीचे, एक जब भी कभी रफ्तार चल रहा मार्केट का, नीचे चल रहा या ऊपर चल रहा है, वो चेंज हो, जब भी मार्केट ऊपर या नीचे चल रहा हो तो उसमें जब भी हैमर बने तो वहां से उम्मीद बढ़ जाती है कि मार्केट वहां से अपना रास्ता चेंज करेगा या पलटी हो जाएगा या वापस हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो नीचे से वापस ऊपर चला गया। अब इसमें एंट्री कहां से करनी है, पैसा कहां लगाना है, निकलना कितना है, वो देखते हैं। इसके लिए एंट्री लेवल होता है, जैसे ये तो कैंडल दिख रहे, ये कैंडल है, ठीक है। जब ये जो कैंडल है यहां पे, इसका जो हाई है, ये दिख रहा है आपको याला हाई, याला हाई। जब अगला, ये तो हैमर बन गया, अगला जब कैंडल बनेगी, जब इस हाई को, इस कैंडल के हाई को क्रॉस करके ऊपर जाए तो ही अपने को एंट्री करना है, उसके पहले एंट्री नहीं करना है। बी क्लियर, सीधी बात, नो बकवास। ये लाइन को, ये कैंडल का जो हाई है, अगर नीचे बनता है तो कैंडल का हाई देखना है, उसके ऊपर जब मार्केट बंद होता है, वो अगली कैंडल बंद होती है, तब ही एंट्री करना है। देखो यहां से कितना बड़ा रैली मिली। अब हो सकता है ये फेल भी हो जाए, होता है कई बार फेल, तो अपने को स्टॉप लॉस भी रखना। देखो यहां से इतना बड़ा टारगेट था अपना, क्लियर, और यहां से स्टॉप लॉस कितना था ये बता रहा हूं मैं। अगर अपन ने यहां से लिए, ठीक है, यहां पे ले लिया अपन ने, तो यहां से यार अपन ये टारगेट मिल गया अपने को। तो अगर अपने को ये हैमर धोखा देने वाला है तो अपने को निकलना कहां है वो बता दे रहा हूं। ये जो हैमर का जो निचला भाग है, ये वाला है ना, तो जब भी मार्केट यहां से अगर नीचे गिरने लगे, मार्केट यहां से नीचे गिरने लगे, मार्केट यहां से नीचे गिरने लगे तो अपने को, अपने यहां पे खरीदा है तो इसके पास जब इसको क्रॉस करके नीचे आ जाए तो अपने को तुरंत बाहर निकल जाना है। ये अपना स्टॉप लॉस, अब ये स्टॉप लॉस कितना होगा यहां से देख लीजिए, 50 से 100 रुपए का होगा, और ये टारगेट कम से कम आपको 1000 से 5000 का होगा। समझ गए आप हैमर क्या है, ठीक। अब इसी को अपन चार्ट में देखते हैं, आइए उसी चीज को लाइव चार्ट में देखते हैं। ये देखिए यहां पर दिख रहा है हैमर आपको, मार्केट यहां से गिर रहा था, मार्केट यहां से नीचे आ रहा था, यहां तक आया, लेकिन यहां पे बन गया हैमर। क्या बन गया, हैमर बन गया। अब हैमर बना तो मार्केट यहां से पलट गया, ऊपर पलटा। देखो यहां से अपने को कितना टारगेट दिया उसने, आप ही हिसाब लगा सकते हैं कितना टारगेट होगा ये, ठीक। और इसका स्टॉप लॉस क्या होता अपने लिए, जब अपन ने यहां से एंट्री की थी तो अपना स्टॉप लॉस यहां तक का रहता। क्यों, क्योंकि अगर ये कैंडल अपने को धोखा देती तो नीचे आता मार्केट और नीचे आता वापस, क्योंकि अपने देखे भाई यहां से नीचे आ रहा था हैमर बना, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर ना जाके मार्केट वहां से अपने को चूचे बना के नीचे आने लगा। अब नीचे आया तो कहां तक रुकना है, अपने कहां तक देखना है, सिर्फ ये इस हैमर का छोर
लो, ये जो लो है ना इसका, इस हैमर का जो लो है, बस इसको टच करके नीचे आया तो अपने को तुरंत कट लेने का, वहां से बाहर निकल जाने का, 1500 रुपए गया चल जाएगा, पैसा बचेगा तो कल भी काम कर लेंगे, और पैसे नहीं रहेगा तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। होता है ऐसा नहीं है, अच्छे बड़े से बड़े तुरमखा को भी लॉस होता है कभी कभी, लेकिन हाँ अपन अगर स्ट्रेटेजी से काम करेंगे ना तो लॉस होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन या दो दिन अगर अपन ने 100 ट्रेड लिए 100 दिन में, तो 100 दिन में से 5 से 10 दिन लॉस हो सकता है। लेकिन अगर अपन इसी स्ट्रेटेजी से काम करें कि भैया हाँ ये 50-100-500 पॉइंट तक अपन छोड़ दें, 50-100-500 रुपये अगर अपन लॉस लेके वहां से हट जाए तो ठीक है, नहीं तो ये लॉस बहुत नीचे तक जाता है, ये लॉस बहुत नीचे तक जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है लगाना, ठीक है। अगर आप ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब ढूंढने की जरूरत ही नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। देखो यहां पे सब लिखा है, क्या लिखा है यहां पे, हैमर दिख रहा है, हैमर। इसलिए बोलता हूं भाई लोग, ज़ेरोधा का अकाउंट ओपन करो और उसमें ट्रेड करो। बाकी ये नहीं बोलता कि बाकी प्लेटफॉर्म गलत है या बेकार, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये इजी है, सबको दिख रहा है सामने हैमर। अब कहां ढूंढते रहोगे, कब ढूंढते रहोगे कि कहां हैमर बन रहा है, कहां पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, कहां पे देखो शूटिंग स्टार बन गया, अभी इसके विषय में वीडियो बन रहा है, डाला जाएगा जल्दी। देखो यहां पे हैमर बना, यहां दिख गया सामने अपने को, सब कुछ दिख रहा है। ये सिर्फ ज़ेरोधा में दिया है ये ऑप्शन। अगर ज़ेरोधा का अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। जिसके पास ज़ेरोधा का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पे जाके क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इस पे चैट करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हैमर हो गया, मैंने बता भी दिया, यहाँ पे लिख के भी आ गया, यहां से मार्केट इतना ऊपर चढ़ गया। स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट, एंट्री की जगह कहाँ है, एक बार फिर से रिपीट करो, मेन चीज एंट्री की जगह यहां इसके ऊपर, ठीक है। जब इसको क्रॉस करके ऊपर जाए तो एंट्री करना है, और टारगेट अपने हिसाब से लगाओ, स्टॉप लॉस ट्रिगर करते चलो, अपना काम करते रहो। और इसका स्टॉप लॉस स्टिक ये है, इसके नीचे गिरा मार्केट यहां से, तो यहां से निकल जाने का, ठीक है, यहां से निकल जाने का, रिस्क लेने का नहीं। 500 रुपये जाएगा ना, कल 5000 कमा लेंगे, टेंशन नहीं। लेकिन अगर आज 5000 चला गया तो कल क्या करेंगे, वो दिक्कत रहती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, ये देखिए ये दूसरा आया हैमर, ये बना ऊपर, तो ये हो गया हैंगिंग मैन। भैया शब्दों पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, नीचे बने ऊपर बने, ध्यान रखने वाली बात किसी एक तरफ बनना चाहिए, ऊपर या नीचे, हैमर जैसा शक्ल होना चाहिए, हथौड़े जैसी दिखना चाहिए, चाहे उसकी बॉडी ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। वहां से अपने को अपना कॉल या पुट लेना है और अपने टारगेट की तरफ चलना है। ये देखो जैसे ये यहां पे बंद हुआ, ओपन यहां पे हुआ, बंद यहां पे हुआ, अगली कैंडल यहां पे, ठीक है। तो इसका जो लो है, ये लो इसने यहां पे तोड़ा। अब देखना जब भी लो तोड़ता है ना अपना, बहुत बड़ी कैंडल बनती है। इसका एग्जांपल अपन ने अभी यहां देखे थे, ये देखे थे यहां लो बना था, यहां पे इसने लो तोड़ा, हाई तोड़ा था, तो कितना ऊपर गया था, याली कैंडल ऊपर गई थी ना। तो जब भी अपना लो और हाई तोड़ता है तो ये ऊपर चलता है बहुत स्पीड से। अभी यहां देखो, इसने यहां पे अपना लो हाई तोड़ा, ये यहां पे तोड़ा क्या, नहीं तोड़ा, यहां पे तोड़ा क्या, नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा इस कैंडल पे, जब इस कैंडल पे तोड़ा यहां पे, तो ये कैंडल कितनी बड़ी बनी, बहुत बड़ी। तो टाइम यही है कूदने का, जब वो तोड़ता है अपना लो या हाई, वही टाइम है। और आपको निकलना कब है ये आप पे डिपेंड करता है, अपना दिमाग लगाओ कहां तक टारगेट मिला। ये देखो इसका सपोर्ट था,
इसका यहां से ये सपोर्ट था तो सपोर्ट को टच करके भाई साहब वापस चल दिए। ठीक है, अपन सपोर्ट तक रुके, निकाल लिया पैसा अपने, इतना हजार तो आराम से निकलता भाई। यहाँ पे सड़क चाहिए भी नहीं, जिसको चाहिए तो रुक सकता है। ठीक है, तो ये ऊपर बना है इसलिए हैंगिंग मैन कहला गया, रेड बना है इसलिए हैंगिंग मैन कहला गया, इस पर ध्यान नहीं देना। हाँ, अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पैसे कमाना है तो हैमर देखो उल्टा हो जाए सीधा हो, नॉर्मल हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, हैंगिंग मैन हो, कुछ भी हो, पैसा कमाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है एंट्री कहाँ से लेनी है, इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। ठीक है, एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट क्या चाहिए अपने को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त भाई बंद शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं बिल्कुल सरल भाषा में, देसी लैंग्वेज में, उनको वीडियो सजेस्ट करें, उनको वीडियो शेयर करें, जो उनको जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको शेयर मार्केट माथापच्ची लगता है, उनको मेरे वीडियो भेजें, उनको बहुत सिंपल भाषा में और जल्दी सीखेंगे। धन्यवाद।